हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डायमंड से कॉलेट कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप भी इस तरह फॉलो कीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से बेहतर समझ सकें। तो अभी हम जाएंगे जेम्स में हम जाएंगे डायमंड में, इसको स्क्रॉल अप करके लेफ्ट क्लिक करके राउंड डायमंड लेंगे, जो भी एक स्टैंडर्ड साइज लेंगे हम 2 mm का डायमंड ले लेते हैं। तो अब इसको बनाने के 2 मेथड है, एक है मैनुअली और एक है हॉट की। मैं आपको दोनों भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और हमें F6 क्लिक करना है। ऐसा हमारे सामने एक पैलेट खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है F6 बटन का। इसका जेम प्रोफाइल लेंगे, जेम प्रोफाइल जो इसका आउटर कव आ जाएगा एक इस तरह से, इसको लेके राइट क्लिक करेंगे हम। करने के बाद में इसको डायमंड को हम हाइड कर देंगे, ये हमको अभी उसका कर्व मिलेगा। अब इसको पहले हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट के लिए मैं आपको मैनुअली लेके चलता हूँ, शॉर्टकट भी है इसका, पर आपको बेहतर समझने के लिए मैं इसका मैनुअली दिखाता हूँ। तो बाहर की तरफ हमें जितना थिकनेस रखना हम उतना रख सकते हैं, जैसे 0.2, 0.3, स्टैंडर्ड जो रखते हैं 0.2 रखते हैं, या फिर कोई कोई 0.15 भी रखता है, तो हम 0.2 रखते हैं। और अंदर की तरफ इसको जितना हमें थिकनेस या मतलब मोटापा कितना रखना है, कहीं कहीं स्टैंडर्ड 0.5 है, कहीं पे 4 है, इंडिया में मोस्टली 0.5 रखते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 0.3 कर देंगे, 0.3। तो अब इसको येलो को हम हाइड कर देंगे। तो अभी यहाँ से जो हमारा मेटल होगा उसको हम चेक करेंगे, देखिए कॉर्ड ऑन कर देते, या एक कॉर्ड से एक कॉर्ड 0.5। ओके, ये हो गया हमारा कप। अब इसको हम पैच ऑप्शन करेंगे या फिर लॉफ्ट भी कर सकते, लॉफ्ट करते हैं हम। तो इसको हम कमांड में लिखेंगे लॉफ्ट, ये देखिए लॉफ्ट आ गया, और इसको राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमको एक सरफेस मिल जाएगा। सरफेस मिलने के बाद क्या करें, हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे और डायमंड देखेंगे। इससे डायमंड से हम इसको 0.15 नीचे लेंगे इस तरह, और इसको फिर हम ऑफसेट मारेंगे सॉलिड का। सॉलिड में जाके ऑफसेट सरफेस, ये रहा, इसको अभी हम जितना रखना है हम उतना एज पर कंप्लेन जो भी जिसका रहेगा उसका रख सकते, पर मैं यहाँ पे 1 mm ले लेता हूँ इजीली समझने के लिए। ये हो गया। अब दोस्तों ये हमारा एक कॉलेट बन चुका है। अब इसको अभी हम अंदर की तरफ इसको हाइड करेंगे, और इसको एक एक कर्व को पहले हम हाइड कर देते हैं। करने के बाद में अब ये जो कॉर्नर है हमारा, इसको हमें स्लैंट करना है ताकि डायमंड जो है उसको इजीली इसको जाके वहाँ पे बैठ जाए। अभी हम इसको गोस्ट व्यू में करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये डायमंड पोजीशन में सही से नहीं है। तो इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो इसको कट के हिसाब से इसके इस तरह से हमें रखना पड़ेगा, पर इसका पोजीशन ये बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा, तो हमें अपना जो स्टैंडर्ड रखे 0.15 उसको हम बरकरार करते हुए इसको हम हाइट करते हैं, और सॉलिड में जाके हम इसको चैम्फर करेंगे 0.3। कट हो गया। अब देख सकते हैं हमारा डायमंड इस पोजीशन में आके इस तरह से बैठ जाएगा, देख सकते हैं आप। हम इसको अभी अपना स्टैंडर्ड हाइट में रख देंगे और चले जाएंगे टॉप व्यू पे। अब इसको हमें प्रॉन्ग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक सर्कल लेंगे और इसे कॉर्ड पे एंड पे आएंगे, या कॉर्ड पे भी इसको हम रख सकते हैं, इस तरह से कॉर्ड भी सिलेक्ट हो जाएगा, और 0.5 हम रखते हैं या फिर 0.6 रखते, देख वो हमें जज करना है कि कितना उसका थिकनेस होना चाहिए। ये रखे, और हमेशा जो प्रॉन्ग होता है
वो इसके एज से, डायमंड के एज से 0.1 या 1.5 उसको अंदर क्रॉस रखना, ताकि जब वो सेटिंग करे डायमंड का तो उसको इजीली वो सेट कर सके। अब ये कर्व को हम एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, ओके, यहाँ पर इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको स्केल 1D करके इसको अपसाइड कर देते हैं। प्रॉन्ग एक्स्ट्रा रखने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि अगर शॉर्ट हो जाएगा तो हम उसको बड़ा नहीं कर सकते। अगर हम बड़ा रखेंगे तो उसको हम शॉर्ट करके उसको साइजिंग कर सकते, तो इसीलिए मैं हमेशा प्रॉन्ग को थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूँ। मोस्टली कंपनीज में ऐसे ही करते हैं। और इसको हम अभी एरे पोलर मारेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके एरे पोलर 0 एंटर 4, ये हमारा प्रॉन्ग हो गया। ओके, अब इसको और राउंडी शेप करने के लिए हम फिर से एक बार बस सॉलिड में आएंगे, सॉलिड और फ्लिट में फ्लिट। अब इसको हम 0.2 कर देते हैं इस तरह से, ये हो गया। तो इस तरह से हमारा कॉलेट रेडी है, आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलेट रेडी हो गया है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉलेट से एक सॉलिटेयर रिंग कैसे बनाएंगे, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।